अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। मेरी यही दुआ है कि अल्लाह पाक मेरे व्यूवर्स को जहाँ रखे हमेशा खुश रखे। तो काफ़ी टाइम से व्यूवर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि क्लोबोफेट क्रीम पे रिव्यू शेयर किया जाए। क्या ये सच में आपकी स्किन को जला देती है? क्या इसको हम वाइटनिंग के लिए यूज कर सकते हैं? और अगर करना है तो कैसे यूज करें? आज की वीडियो में आपको कम्प्लीट डिटेल के साथ सब कुछ बताया जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी व्यूअर्स से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार नए आए हैं तो जल्दी से जाए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को भी लाजमी लाइक कर दिया करें और इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसके बेनिफिट्स और नुकसानात का पता चले। और नीचे छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई और आपके साथ ऐसी ही ज़बरदस्त वीडियो शेयर करें। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दरअसल क्लोबोफेट एक मेडिकल प्रोडक्ट है जो कि लोग अपनी रैशनेस के लिए यूज़ करते हैं, अगर किसी को एलर्जी है तो उसके लिए यूज़ करते हैं, या फिर अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा रेडनेस हो गई है तो एलर्जी है तो आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपको 20 ग्राम में मिलती है। इस पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक यूज़ करें, वरना आप इसको बिल्कुल यूज़ ना करें। खुश्की और ठंडी जगह पे रखें और 30 सेंटीग्रेड से कम दर्जा पे आपने रखना है इसको। और यहाँ पे ये भी मेंशन है कि बच्चों की पहुँच से इसको बिल्कुल दूर रखें। तो काफ़ी लोग इसको स्किन वाइटनिंग के लिए भी यूज़ करने लगे हैं, तो आपने इसको बिल्कुल भी अपनी स्किन पे यूज़ नहीं करना। ये बात आपने हमेशा याद रखना है, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड ने भी अपनी स्किन पे यूज़ किया था और उसकी स्किन बिल्कुल जल गई थी। अगर आपने इसको वाइटनिंग के लिए यूज़ करना है तो मेरी यही टिप है कि आपने इसके अंदर डिफरेंट क्रीम्स ऐड करके इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आपको ये ट्यूब टाइप मिलेगी, और इसको अगर आपने यूज़ करना है अपनी वाइटनिंग के लिए, अगर आप अपने हैंड्स और फुट को वाइट करना चाहते हैं तो आपने ऐसा करना है कि डिफरेंट क्रीम्स ले लेनी है और उसके अंदर आपने वाइटनिंग कैप्सूल ऐड करने और साथ में ग्लिसरीन ऐड करने हैं। अगर आपके पास कोई क्रीम नहीं है तो आप इसके अंदर डर्मावेट और बैटनोवेट क्रीम के साथ इसको मिक्स करके लगा सकते हैं, इससे भी आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे। लेकिन याद रहे कि आपने इसको अपने फेस पे हरगिज़ यूज़ नहीं करना, क्योंकि जब आप इसको फेस पे यूज़ करेंगे तो इसके इतने ख़तरनाक इफेक्ट्स आपके स्किन पर पड़ेंगे कि आपकी स्किन बिल्कुल जल जाएगी, हाथ जल जाएंगे। आपने इसको ऐसे अपने हाथ और पाँव पे बिल्कुल कभी भी यूज़ नहीं करना, क्योंकि अगर आप अपने हाथों पे भी ऐसे इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपके हाथों की तमाम स्किन जो है वो जल जाएगी। अगर आपने इसको क्रीम्स के अंदर भी यूज़ करना है तो आपने इसको अपने फेस पे हरगिज़ यूज़ नहीं करना। अगर आप क्रीम्स ऐड करके इसको यूज़ कर रहे हैं तो तब आप इसको अपने हैंड्स और फुट पे लाजमी यूज़ करें, लेकिन स्किन पे आपने हरगिज़ इसको इस्तेमाल नहीं करना। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे बता सकते हैं, आपको फ़ौरन जवाब दे दिया जाएगा। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छी वीडियो लगी होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।